अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा फाइव स्टेप फार्मूला के अबाउट कि अब फॉर प्रपोजल या कवर लेटर का फाइव स्टेप फार्मूला क्या है। बेसिकली मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए और उसकी साइंस भी मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली तो क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जिस बंदे ने जॉब पोस्ट की है वो एक बोट नहीं है, वो एक ह्यूमन है और वो अपनी कंपनी या अपने काम के लिए एक परफेक्ट बंदा ढूंढ रहा है जो कि उसका काम एग्जैक्टली उन्हीं रिक्वायरमेंट्स पे जो उसने दी हैं वो मीट कर पाए। दूसरी बात, वो पेमेंट्स कर रहा है, पैसे कर रहा है। इंसान जब भी पेमेंट्स करता है तो वो 400 दफ़ा सोचता है कि जिस बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ या जिससे मैं ये सर्विस ले रहा हूँ, क्या वो मेरे पैसों जो मैं पे कर रहा हूँ क्या उसकी वर्थ इट होगा कि उससे मैं कोई काम लूँ, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो बंदा कंसीडर करता है और वो क्लाइंट है, ऑब्वियसली बात है, उसके पास आप जैसे काफ़ी सारे लोगों ने प्रपोजल भेजा है तो आपने बहुत ही एहतियात से प्रपोजल लिखना है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू जो वो है उसकी जॉब है, उसकी उसने जो डिमांड की है उसी। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आपने इधर उधर की छोड़ देनी है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं SEO भी कर लेता हूँ, मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग भी कर लेता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, मैं वेब डेवलपर भी हूँ, इस तरह का आपने बिल्कुल भी प्रपोजल नहीं लिखना। सिर्फ टू द पॉइंट रहना है और जितना हो सके कम से कम टेक्स्ट के अंदर अपना मैसेज कन्वे करना है आपने, बट डिटेल और सिंपली उसी क्राइटेरिया के अंदर रहिएगा जिसके अंदर उसको स्किल्स रिक्वायर्ड है। उसने अगर वेबसाइट डेवलपर मांगा है तो आप उसमें ये मेंशन ना करें कि मुझे SEO भी आती है, मुझे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, ये भी हूँ, वो भी हूँ। हाँ, कुछ जॉब्स होती हैं जिसके अंदर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको जो वो बंदा है उसको वेबसाइट डेवलपर भी हो और उसको SEO का नॉलेज भी हो, तब आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, बट उसी क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहते हुए। तो ये थे बेसिकली कुछ प्रिकॉशंस जो मैं आपको बताना चाहता था बिफोर फाइव स्टेप फार्मूला के बाद। तो अब बात कर लेते हैं फाइव स्टेप फार्मूला क्या है। उसके अंदर बेसिकली मेरे मुताबिक कि हमें अपने प्रपोजल को पांच स्टेप्स के अंदर बांट लेना चाहिए। सबसे पहले हम क्लाइंट को हाय हेलो करेंगे। हाय हेलो में हमने बिल्कुल भी 4-5 लाइनें नहीं लिखनी, हाय हेलो, हाउ आर यू, क्या हाल है आपके, कैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट सिंपल हाय हेलो, हाय मार्क, हाय हेलो, हाय डियाना, वट एवर, ठीक है, सिर्फ इतना सा। उसके बाद आपने फौरन से ही इस चीज़ पे आ जाना है। क्लाइंट को नहीं इंटरेस्ट इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, आप कौन हो, कहाँ से रहते हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ आप ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर चुके हैं। तो आपने डायरेक्टली उसने जो जॉब की डिस्क्रिप्शन दी है उसके मुताबिक उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि हेलो डियाना, I saw that you are looking for a website developer who can redesign your current website exactly according to the modern standards which will be fast loading, SEO optimized and whatever, ठीक है। इस तरह से आपने डायरेक्टली उसी चीज़ पे आना है कि जो क्लाइंट को चाहिए। अब आपने ये बता दिया हेलो के बाद, आपने ये बता दिया कि आपको मतलब क्लाइंट को क्या चाहिए। उसके बाद अगली पैराग्राफ में, अच्छा ये जो आपने बताना है कि क्लाइंट को क्या चाहिए सिर्फ 1.5 से 2 लाइनों के अंदर होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पैराग्राफ में, 1.5 से 2 लाइनों का नेक्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए। उसके अंदर आपने बताना है कि अब जो आपने डिमांड किया वो मैं किस तरह से प्रोवाइड कर सकता हूँ, हु आई एम, क्या एक्सपीरियंस मेरा, सिर्फ 1.5 से 2 लाइनों में आपने वो पूरा डिस्क्राइब कर देना। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारे पास, उसके अंदर आपने अपना पोर्टफोलियो मेंशन करना है कि देखें ये मेरा प्रीवियस वर्क है, इस जो आपने डिमांड किया है वर्क, इससे रेलेवेंट मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, या फिर ये मेरा जनरल पोर्टफोलियो है, ये आप देख लें आप हायर करने से पहले, मतलब क्लाइंट को पूरा ट्रस्टेड। और एंड के अंदर जो फोर्थ स्टेप है उसके अंदर हम बेसिकली इस तरह से कुछ लिखेंगे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू और वट एवर सो, और एंड के अंदर हम जस्ट यू आर सिंसियरली XYZ जो भी है। तो इस तरह से हमने ये 5 स्टेप्स पूरे करने हैं और बिल्कुल जामिया तौर पे ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है, बट डिटेल्ड। एक्चुअल में क्लाइंट तक हमने मैसेज अपने शॉर्ट से शॉर्ट मैसेज के अंदर अपना जो है मैसेज पहुंचाना है, अपना पिच करना है। तो अब इसका मकसद क्या है, क्लाइंट के पास जो वो एक जॉब पोस्ट करता है उसके पास 50-60-100 प्रपोजल्स ऑलरेडी पड़े होते हैं। तो अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके इतने लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़े और सारी चीज़ें पढ़े। इससे बेटर ये है कि वो जस्ट आप उसको टू द पॉइंट रहें,
कोई इधर उधर की नहीं छोड़नी आपने, बिल्कुल डायरेक्टली आपने उसके काम की बात करनी है, ये बताना है कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो दिखाना है, एंडिंग वर्ड्स देने, एंड दैट्स ऑल। तो इस तरह से आपने प्रपोजल लिखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ प्रपोजल्स के सैंपल्स दिखाऊंगा और आपको एक दो बिट भी करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।